हैं, मैं हुरमा त्यागी, लेंगे समाचार विस्तार से। भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आई स्विस राष्ट्रपति आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के अलावा व्यापार और निवेश पर भी जोर रहेगा। स्विस राष्ट्रपति डोरिस लॉयहार्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करेंगी। इससे पहले स्विस राष्ट्रपति का आज राष्ट्रपति भवन में रस्मी स्वागत किया गया। स्विस राष्ट्रपति की 3 दिवस की यात्रा शुरू हो चुकी है, उन्हें आज वेलकम करा गया यहाँ पे राष्ट्रपति भवन में। फोकस रहेगा बहुत सारी चीज़ों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ट्रेड डील्स पे, कैसे नेगोशिएशन बढ़ाई जाए, और भारत की तरफ से तो फोकस यही रहेगा ब्लैक मनी का जो मसला है। मैं आपको बता दूं, पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्विट्जरलैंड गए थे। बिग टेक अवे जो पूरी विजिट से यही निकला कि स्विट्जरलैंड ने भारत की जो एनएसजी की जो बिड है उसको सपोर्ट किया, और दूसरा बड़ा ब्लैक मनी का मसला भारत और स्विट्जरलैंड दोनों ने पूरा एक एग्रीमेंट साइन किया, उसे रेटिफाई करने की अभी जरूरत है। आइए जानते हैं क्या कहा स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने आज सुबह। यस, आई होप दिस विजिट विल बूस्ट अगेन इंडो-स्विस टाइज। यू नो वी हैव सीन 70 इयर्स फ्रेंडशिप बिटवीन आवर टू कंट्रीज। We have activities in various fields, and with this visit we enlarge also the diversity of our cooperation, and I hope that we can give also the pending negotiations on a trade and partnership agreement a new impetus. We try to have a new investment protection agreement. और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट अभी बड़ा एक फोकस रहा है। मैं आपको बता दूं, करीब 18,000 भारतीय स्विट्जरलैंड में और करीब 250 स्विस कंपनियां भारत में, जिन्हें जॉब क्रिएशन में काफी मदद की है, और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाना ही इस पूरी विजिट का मेन फोकस रहेगा। कैमरा पर्सन एक के साथ सिद्धांत सिब्बल, डीडी न्यूज, राष्ट्रपति भवन।